पॉपुलर आदमी आ गया है। तो गाइस यार फिलहाल अब चलते हैं, मेरे भाई लोग देख सकते हैं किस तरह इधर देख सकते हैं सब किस तरह का। तो फिलहाल अभी चलते हैं, मेरा धनु यहाँ, अब चलते हैं शोरूम के ओर। आज गांव से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो फटाफट चलते हैं। वन की है तो अब चलते हैं शोरूम की ओर। आज गांव की रोड आपको दिखाते हैं, गांव की सड़कें ये भाई लोग देख सकते हैं। फिंगर मिडिल फिंगर दिखा रहा है भाई, देखो भाई। तो चलते फटाफट मिलते हैं। तो गाइस ये गांव की सड़क है मेरे, तो फिलहाल चलते हैं। तो आज आपको गांव की, गांव में जो क्या स्थिति है रोड का, ये रोड आपको दिखाते हैं गांव की साइड की। ये गांव का मेरा ग्राउंड, इस तरह ग्राउंड बहुत मिलेगा तो आज आप लोगों को दिखाते हैं। पूरा ग्राउंड ग्राउंड मिलेगा, रोड नहीं मिलेगा। ये वाली रोड से हम जाते हैं रोज, इसके मेन रोड है बट मेन रोड से नहीं, ये शॉर्टकट है इसी के लिए। इस तरह रोड है, ये रोड नहीं है, शॉर्टकट के लिए इधर से हम जाते हैं। रोड बना है कहीं वहीं, आपको पता ही होगा गाँव का कैसा रोड रहता है, तो इसीलिए हम आज इधर से गांव से ही वीडियो स्टार्ट कर दिए। हम एक दिन सोच रहे थे कि एक दिन गांव से ही वीडियो स्टार्ट कर देते, देखते क्या रेट, आपको दिखाते हैं गांव का ही कुछ सीन। बटे तो आपको दिखाते ही रोड का, तो आज कुछ गांव का रोड ही हम लोग कुछ यूनिक करते हैं, गांव का रोड ही दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा गाँव का रोड, थोड़ा यहाँ मिला आपको नरेंद्र मोदीला रोड, बस फिर आपको कच्ची रोड मिलेगी। गाँव के भी रोड है, कहीं कहीं अच्छा है, कहीं कहीं ख़राब है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। हर जगह एक जैसा नहीं रहेगा, गांव में शहर में रहता ही नहीं तो फिर गांव में कहां से रहेगा। शहर में कहीं गली कुची पूरा ख़राब रोड रहता है, तो ये तो गांव है, गांव तो उतना डेवलप नहीं रहेगा, बट बहुत डेवलप हो गया गाँव तो। पहले दस साल पाँच साल पहले तो इतना डेवलप रहता ही नहीं था जितना अब रह रहा है। ये आज सेकेंड सर्विसिंग के लिए जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज मेरा एग्जॉस्ट जो है ना बाइक का, उससे मोबिल नहीं कर रहा, बोलता इसे कोई इशू नहीं है बट एयर नहीं चाहते कि फिर निकले उससे, तो इसीलिए आज हम सेकेंड सर्विसिंग करा लेते हैं इसका। जो देखते हैं आज कितना कॉस्ट पड़ता है, इसमें क्या खर्चा आता है, तो वीडियो में आज आपको फुल दिखाते हैं इसमें क्या खर्चा लगता है, और शोरूम में पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा क्या क्या इसमें चेंजिंग होगा। तो ये फिर कच्ची रोड है गांव की भाई, ये रोड में ना बहुत मस्त लगते हैं चलाने में, क्योंकि मेन रोड जैसा फीलिंग आता है, क्योंकि इसमें ऊपर खबर नहीं है, समतल खराब वहाँ लगता है जहाँ ऊपर नीचे रहा होता है ना रोड, वहाँ पे हमको थोड़ा खराब लगता है। जैसे अभी आए देख, तो इस तरह का जब रहेगा तो दिक्कत होता है ऊबड़ खाबड़, ए भाई देखो। तो इसीलिए ये जैसे हाँ टेम्पर रहता तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इसीलिए ये है गांव की सड़कें, ये यहाँ से पहले नेक्स्ट वीडियो में तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, यही लोकेशन था, बट उधर पीछे से नहीं करते थे, आज पीछे से ही कर दिए हैं। आज फुल मतलब आपको दिखा दिए जो गांव से निकलते हैं पूरा, आज गांव के जो लड़के हैं उसका क्राउड तो आपको दिखाई दिए वीडियो में, और बेहतरीन है। फिलहाल मेरे गांव में एक ही R15 जो हम ही लिए हैं, बाकी बस तो फिलहाल भाई बुलेट बोल भाई ये स्पोर्ट बाइक नहीं है, तो थोड़ा क्राउड रहता है, बच्चे लोग भीड़ लगाते हैं। एक व्यक्ति लिए मेरे गाँव के जो R15 V3, तो ये फिलहाल मेन रोड आ गए हम, तो आप फिलहाल यहाँ से चलते हैं बाइक को निकलते हैं। तो आज फिलहाल बच गया 10:37, हमको 11 बजे बुलाया था, 11 बजे आएगा तो मेरा फर्स्ट नंबर आएगा, देखते क्या होता है, ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर समय ज़्यादा लग जाएगा, तो ये जिम भी जाना।
करा के लगता है इस तरह तो इसीलिए हम करा ही ले रहे हैं भाई। तो आप फटाफट मिलते हैं बात में। इसका भी टॉप स्पीड है 150 से ज़्यादा भागेगा नहीं, 150 का लास्ट स्पीड, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ का रोड जो है ना बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा ये रोड जो है ना, बहुत गंदा देख रहे हैं। देख रहा था बाद में कौन फिर वो निकल गया भाई, यहाँ तो जाम ही जाम है। ये पचम्बा रोड तो एनी टाइम जाम ही रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाए थे पचम्बा में क्या होता है, अचानक गाड़ी दौड़ गया था भाई। यहाँ
बच्चा लोग दिखा रहा था। यही जगह यही लोकेशन था जो नेक्स्ट वीडियो में एक आदमी अचानक हो गया था भाई, यहीं पे वाले भाई साहब से आए थे पता नहीं, बट यही जगह था। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो बन जाएगा लगता है, तो जिस मिनट वीडियो बनाएंगे ना तो कट कर देंगे, तो इसमें तो करना पड़ेगा भाई। हेलमेट को इधर ही रख देंगे यार, क्योंकि आज वीडियो लंबा होगा तो हर जगह वीडियो आज बनाना नहीं है, कहीं कहीं बहुत जगह जाना आज भी है। सिंगल रोड यही होता है भाई, बहुत दिक्कत होता है सिंगल रोड में। अगर यदि आपको जल्दी जाना है तो 10 मिनट कहीं तो 20 मिनट पहले निकलना पड़ेगा, या तो इस तरह धीरे 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 आपको जाना पड़ेगा अगर यदि आपको कहीं परफेक्ट टाइम पर पहुंचना है तो उस टाइम पर आप नहीं पहुँच पाइएगा, इसलिए नहीं पहुँच पाइएगा, इस तरह भीड़ मिलेगा आपको, तो भीड़ में तोड़ के जो हेलीकॉप्टर बना के चला दीजिएगा। ये वीरेंद्र ये मेरा दोस्त यार, पास ही शोरूम है इसमें सर्विस सेंटर, तो पहले सर्विस करा सर्विसिंग कराते उसके बाद ही फिर करते हैं। हो गया 11 बजे से पहले हमको पहुंचना है, पहुंच पाएंगे तब तो। सिंगल रोड नहीं रहता तो बहुत जल्द पहुंच जाते हैं, कारण थोड़ा भी चलना पड़ता है भाई, कौन सी रात से बिगड़ देगा पता ही नहीं चलेगा, पानी हटी तो दुर्घटना का करना पड़ेगा ना रोड में। तो भाई फिलहाल मैक का भी जो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आवाज़ में थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसके लिए हम समझ आते हैं आप लोग, कोई मैक में GoPro लेने के बाद ही आप नेट लगाया जाएगा, वो वाला ज़्यादा महंगा कर दे, मेरा पैसा 1000 का था, तो इसमें लगाते तो पूरा आवाज़ें पूरा मतलब खराब हो रहे, पूरा गंदा आवाज़ निकलता भाई, इसीलिए इससे अच्छा मोबाइल का ही जो है डायरेक्ट ही रिकॉर्डिंग कर लो वही बेटर है, बट मैक लगाओ बहुत खराब आता भाई, बहुत खराब इतना खराब मत नेक्स्ट वीडियो में डाल लेते भाई, कमेंट करो भाई तेरा ये जो है।
कारण आवाज इस तरह आ रहा था। भाई आप लगभग और उसका डिस्टेंस है 200 मीटर और अपना डिस्टेंस डाट सिग्नल देंगे सर्विस सेंटर में, उसके बाद ही फिर करेंगे। यार यहाँ पे टीम भी है मेरा, तो पहले हम सर्विसिंग कराते हैं उसके बाद जिम करते हैं। सेंट्रल फार्माई जो ऊपर टावर हुआ है उसमें इंक्लूडेड जिम है, वहीं जिम भी करते हैं। आप लोग तो वीडियो में देखते ही होंगे, यहीं से मेरा वीडियो स्टार्ट होता है। तो यहीं से आज मतलब शोरूम करते डायरेक्ट आ गया शोरूम। ये शोरूम सही, यहीं सर्विस सेंटर, यहीं भी सर्विसिंग डालते हैं, घुसड़ देते हैं डायरेक्ट। आ जा रहे तो यहीं घुसड़ते हैं डायरेक्ट, अभी सर्विसिंग कर बढ़िया धो देगा आज। अगली 10 मिनट जल्दी आना, घुसा दें। हाँ खुलवा देंगे नेक्स्ट, एंट्री हो रहा है अभी यहाँ पे। नाम बोलिए। पोखन कुमार यादव। पोखन कुमार यादव नंबर 80-62 JH11AN देख लीजिए 8062 AN ये एंट्री ला तो पहले नहीं रखते थे सिस्टम। एन है 80-62। अब गुस्सा है क्या? गाड़ी में काम होगा, सर्विसिंग कराना है, सेकंड सर्विसिंग घुसड़ दे। तो गाइस यहाँ एंट्री हो गया है, फिलहाल चलते अंदर, यहाँ देखते मेरा साहिल दोस्त है क्या? नहीं साहिल ही है मेरा दोस्त। हाँ साहिल।